किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में ही दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं वे महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है और आगे भी इनके सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा आपके प्रयागराज मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएँ होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने उम्मीदवारों के समर्थन में सोमवार यानी आज प्रयागराज में जनसभा की। केपी कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने अपने भाषण के केंद्र में दलितों और विद्यार्थियों को रखा। वह सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसी, कहा कि दलितों को हमेशा से शोषण हो रहा है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो इन वर्गों की उत्थान उसे याद नहीं आता है। कांग्रेस ने इनके लिए कुछ किया होता तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती। अब महिलाओं की याद आई है, सरकार रहते कभी भी महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए कुछ नहीं किया। बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश सरकार को निशाने पर रखा, कहा कि इनकी सरकार में गुंडे माफिया हावी रहे, जमीन पर कब्जे होते रहे, सरकार देखती रही, माफिया को सरकार का शह मिलता रहा। अखिलेश सरकार में जातिवाद राजनीतिक देखने को मिली। बसपा सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया गया। SC ST बच्चों को विदेश जाकर पढ़ाई करने की सुविधा को रोक दिया गया। सरकारी भूमि आवंटन में मिलने वाली प्राथमिकता को भी खत्म कर दिया। ऐसे कई विरोधी फैसले लिए। संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोई कर दिया गया। ये आपका पड़ोसी जिला है, यहाँ सरकार दलितों के हितैषी नहीं है। कई योजनाओं के नाम बदले गए, इसी से इनका समाजवाद सामने आ गया। मौजूदा सरकार ने धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर बसपा कार्यकर्ताओं को फंसाया। मायावती ने कहा कि RSS के संकीर्ण एजेंडे पर सरकार चल रही है। धर्म के नाम पर हमेशा यहां तनावपूर्ण वातावरण बना रहता है, इसे आपको समझना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कर्मचारी आदि मांगों को सुलझाने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। अब बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा बल्कि उन्हें रोजी रोटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आपको BSP के सत्ता को लाना होगा। चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।